हम ज्योति आर्या है। अच्छा, तो आप कहाँ, आपका इंटरमीडिएट कहाँ से रहा है मैम? गया से। अच्छा, मतलब आप बिहार से हैं। हाँ। काफ़ी दूर से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज एडमिशन लिया है। हाँ। मतलब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला है? मुझे सब्जेक्ट मिला है मेडिवल हिस्ट्री, डिफेंस और इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, तो आपका इंग्लिश लिटरेचर में मतलब आपका इंटरमीडिएट में रहा है? हाँ, तो स्वाभाविक वाली बात है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करेंगी। आपका भविष्य में बनने का क्या ख्वाब है? मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, आईपीएस, जैसा कि यूपीएससी लेवल का एग्जाम है आईपीएस, आईपीएस के बारे में कुछ बताएंगी? अभी तो मुझे उतना कुछ उसके बारे में पता नहीं है, मैं यहाँ आके उसका प्रिपरेशन करूँगी। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में ऑप्शनल दो पेपर होते हैं और एक मेंस होता है, तो आपका मेंस कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? कौन सा? हिस्ट्री। तो आपका मेन फोकस आईपीएस पे रहेगा। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम गीरा राज है। नहीं हुई छात्र नेताओं से या? नहीं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे भैया लोग बहुत हेल्प किया, हर चीज़ में जो भी पूछे सब कुछ अच्छे से बताए। अच्छा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन, आपकी फैमिली क्या गौरवान्वित महसूस कर रही है? वो लोग अच्छा फील कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो अच्छा ही बन के जाएंगे। अच्छा, तो आप हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल आप लेना चाह रही हैं कि? हाँ, हॉस्टल लेना चाहते हैं। कितना नंबर है मैम? 159.60। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप जानती हैं कि यहाँ आईएएस की फैक्ट्री मानी जाती है, और आपने बताया भी कि मैं यहाँ से आईपीएस बनूंगी, मैं अपने माता पिता का सपना को साकार करूंगी। तो आप उन छात्रों को बताइए जो भी यहाँ स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी स्टूडेंट्स जान जाएंगे, जो भी नवप्रवेशित छात्र होंगे आगामी में, उनको कुछ मार्गदर्शन करेंगी? हाँ, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, और ऊपर से यहाँ पे सिविल सर्विसेज का तैयारी भी अच्छा होता है, कोचिंग वोचिंग की फैसिलिटीज़ अच्छी है यहाँ पे, तो यहाँ से अच्छा है, हो जाएगा। अच्छा, मैं अच्छा, आप कहाँ से मैम? कहाँ से? महाराजगंज से। आपको मतलब इतने दूर महाराजगंज है जैसे, कि आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई मैम? प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, बट यहाँ आना अनिवार्य था एडमिशन के लिए। हाँ, तो आज एससी की कैटेगरी की एडमिशन हो रहा है मैम, जैसा कि आप जानते हैं 158 के अबव के उन सभी छात्रों को बुलाया गया है, जो 158 के ऊपर जिनका नंबर है या फिर 158 है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन जैसे कि मिल गया, कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला है? सब आपका इंटरमीडिएट कहाँ से रहा है? मेरा इंटरमीडिएट वही महाराजगंज। अच्छा, कौन से स्कूल? सीताराम इंटरमीडिएट महाराजगंज। अच्छा, कौन सा कॉलेज मैम? सीताराम इंटर कॉलेज सिंदूरिया महाराजगंज। अच्छा, महाराजगंज। काफ़ी दूर से आप मैम आई हैं यहाँ, आपके भी सपने होंगे, आपके माता पिता के सपने होंगे कि हमारी बेटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रही है। आप क्या बनना चाहती हैं मैम? सर, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, सिविल सर्विस तैयारी भी करना चाहती हूँ। अच्छा, हमारी स्टूडेंट्स एकेडमी की पूरी टीम की शुभकामनाएँ आप दोनों के साथ हैं। आप लोग आईपीएस आईएएस मतलब दोनों यूपीएससी लेवल की बहुत बड़े, भारत का जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उसको आप लोग क्रैक करने वाली हैं, क्रैक करेंगे भविष्य में, हम उम्मीद करते हैं। आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा रहेगा मैम? मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, अच्छी बात है। और आप लोगों के यहाँ से कोई प्रॉब्लम एडमिशन उडमिशन में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हुआ आप लोगों का एडमिशन। यहाँ से जैसे कई प्रकार से कई संगठन के लोग आपको मदद करते हैं जी। उनसे काफ़ी आपको हेल्पफुल मिली थी किसी छात्र नेताओं या किसी से? जैसे हमारे लिए बहुत ही मदद की, जो हमें जानकारी नहीं थी। हाँ, हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिए कि हमें किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए, वो बहुत हेल्प किया हमें। धन्यवाद मैम।